everyone, in my previous videos on resources, we have covered the topics, what are resources, what are the various types of resources, and we have discussed two bases of their division. That is, first is based on the level of development and use, second is on the basis of origin. Today we will start the third one, that is on the basis of exhaustibility. On the basis of exhaustibility, resources are of two types, that is renewable resources and non-renewable resources. As it is cleared by the name itself, renewable resources are those resources that can be replenished. वो resources जो कि time के साथ दोबारा आ जाती हैं या easily available होती हैं, those resources are known as renewable resources. Like grass, grass हमने cut कर दी, दोबारा आ जाती है unless and until we damage the soil. अगर हम soil को damage कर देंगे तो ग्रास नहीं आएगी, बट इफ यू आर नॉट डैमेजिंग द नेचर, दीज रिसोर्सेज विल रिप्लेनिश देमसेल्व्स. सो सच रिसोर्सेज आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज. देन व्हाट आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज दैट कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड वंस एग्जॉस्टेड. वो रिसोर्सेज जो दोबारा नहीं बन सकते एक बार अगर हमने उन्हें यूज़ कर दिया. क्यों कहते हैं पेट्रोल को बहुत अच्छे से यूज़ करो? क्यों कहते हैं गाड़ी को बंद कर दीजिए जब आप ट्रैफिक में फंस जाते हैं? क्यों कहा जाता है कि जब कुकिंग को ऐसे करके आप कोई बर्तन यूज हटा रहे होते हैं या कुछ करते हैं, अपने गैस को ऑफ कर दिया करिए? बिकॉज ये सारी नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, बट हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. हम अगर ये ना हो तो आर डे टू डे लाइफ विल बी सफर्ड. We will suffer. अगर ऐसा होगा हम लोग को सफ़र करना पड़ेगा. इमेजिन करिए अगर गैस ना हो, इमेजिन करिए अगर पेट्रोल ना हो. सो दो सोर्सेज ऑफ एनर्जी दैट कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड वंस एग्जॉस्टेड आर नोन एज द नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. फॉर एग्जाम्पल कोल, नेचुरल गैस. आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड. देन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप सभी समझते हैं कि क्या होता है. ओनरशिप के बेसिस पे दे हैव बीन डिवाइडेड इनटू फोर कैटेगरीज, दैट इज द प्राइवेट रिसोर्सेज, कम्युनिटी रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज. प्राइवेट रिसोर्सेज जैसे जो किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी होती है, लाइक आई हैव प्लांटेड अ ट्री, दैट इज माय प्रॉपर्टी बट इट इज अ रिसोर्स. लैंड, आई हैव अ लैंड सो इट्स माय प्रॉपर्टी बट इट इज़ अ रिसोर्स. सेकेंड इज कम्युनिटी, कम्युनिटी रिसोर्सेज जो कोई एरिया को शेयर करते हैं, कोई कम्युनिटी उसे शेयर करती है, या हम कहीं रहते हैं तो पूरा नेबरहुड उस चीज़ को शेयर करता है. इसमें भी बेसिकली हमारे कम्युनिटी सेंटर्स, विलेजेस में कोई वेल है वो, सोशल पार्क्स, प्लेसेस ऑफ वर्शिप्स, ये सब आपका प्लेग्राउंड, ये ऐसी चीज़ें आपकी जो है कम्युनिटी रिसोर्सेज होती हैं. देन कम्स योर नेशनल रिसोर्सेज जो कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होती है किसी कंट्री की, दैट इज रिवर है, कोई कोई केनाल है, फॉरेस्ट है, माइंस हैं, ठीक है, जो उसका कोई ओनर नहीं होता, वो गवर्नमेंट की अथॉरिटी में होती है. सो दीज रिसोर्सेज आर योर नेशनल रिसोर्सेज. देन केम द इंटरनेशनल रिसोर्सेज. इंटरनेशनल रिसोर्सेज वो हैं जिनके ओनरशिप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के पास होती है, लाइक योर यूएन, यूनाइटेड नेशंस, इनके पास अथॉरिटी होती है उनको कैसे यूज़ करना है, कैसे वाइजली यूज़ करना है, कैसे उनको हमें वेस्ट होने से बचाना है, अदर थिंग. जैसे कोई भी कंट्री है, वास्ट ओशियंस हैं, आप सोचते होंगे किसकी प्रॉपर्टी है, तो जो भी कंट्री है उसकी 350 किलोमीटर्स ट्रैवल के बाद जो ओशियन का एरिया आता है, दैट इज़ विद द यूनाइटेड नेशंस, या आपकी इंटरनेशनल रिसोर्स वो होती है. देन द नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन इज़ ऑन द बेसिस ऑफ यूज़ एंड यूटिलिटी. ऑन द बेसिस ऑफ यूज़ एंड यूटिलिटी यू मस्ट बी नोइंग कि कैसे हम उनको यूज़ करते हैं, सर्टेन कैसे यूटिलाइज किया जाता है. दे हैव बीन सब डिवाइडेड इन टू थ्री टाइप्स, दैट इज एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज एंड वाटर रिसोर्सेज. एज अ नेम सजेस्ट, एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज इंक्लूड्स योर
oil seeds, fertilizers, labors, water, etc. These are all your pulses, cereals, etc. etc. are your agricultural resources. Then mineral resources में आता है आपका fossil fuels, metallic and non-metallic minerals. ये सब included होते हैं आपके mineral resources में. Then the last is water resources. जो भी fresh water है या आपका sea water है जिसको convert किया जा सकता है fresh water में, या जो कुछ भी इसमें water से related resources आती हैं वो आपकी इस category में involve होती हैं. That is your water resources. And they have variety of uses like drinking, irrigation, cleaning, production. Water तो is the basic necessity of life. Everyone knows कि water कितना important है और ये कितनी important resource है. Then the next topic that I'm going to cover, which will end this chapter, is sustainable development and conservation of resources. These two are very different concept, but they are interrelated. बहुत अलग हैं लेकिन एक दूसरे से कहीं ना कहीं related हैं. The principle, the basic that resource conservation का जो principle aim है, जो basic aim है, वही sustainable development है. Sustainable development क्या होता है? Economic development जो लंबे time तक चल सके. ऐसा economic development जो लंबे टाइम तक, दैट इज कैन सर्वाइव इन लॉन्ग रन, दैट इज योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ये टर्म जो है आपका, जब अर्थ समिट हुई थी 1992 में, ठीक है, तब ये टर्म आपका आया था. दिस अर्थ समिट इन 1992 वाज हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो, दैट इज इन ब्राजील. ये टर्म एक बार फिर से बता दूं, द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज कॉइंड इन 1992 at the earth summit, that is, then the next topic, it's very easy. I'll be just reading it out point by point. Agar nahi samajh aa raha aapko, so do write your in the comment section, I will explain it, or you can personally, although who know me personally, could send me the messages and ask whichever way you prefer. But let me tell my students that if you want to ask anything, then send me the picture of the text. उस text की picture मुझे send कर दे जो आप पढ़ रहे हैं. So आपकी language में, आपकी book की language में, I will explain it to you. Because I'm not having all the books at home this time. Since it's a lockdown, I'm not having various facilities also, blackboard also. So I would have been explaining you much better. But I'm trying my best to help you out in this situation. So the principles of sustainable development are respect and care for all forms of life. ये तो सबका ही motive होना चाहिए कि हम हर form of life की हम respect करें. Improvement in quality of human life. अपनी life जो हम जी रहे हैं या हम कुछ कर रहे हैं उसमें हम improvement लाएं. Depletion, minimize depletion of natural resources. जो खत्म हो रही हैं, यूज पे यूज करे जा रहे हो, यूज पे यूज करे जा रहे हो, सोच नहीं रहे हो, इसको हमको कम करना चाहिए. हमें उनको अच्छे से, जितनी जरूरत है उतना ही इस्तेमाल करिए. अलाउ लोकल कम्युनिटी रिसोर्स टू प्ले पार्टिसिपेटरी रोल. लोकल कम्युनिटीज जो हैं उनको रोल प्ले अपना करने दें. प्लानिंग फॉर सेफ्टी फ्रॉम डिजास्टर. एक ये भी इनका एम है कि कोई जो है सेफ्टी, डिजास्टर कोई आने वाला है तो उसे सेफ्टी कैसे प्रोवाइड करनी है. कंजर्व द डाइवर्सिटी ऑफ द अर्थ. अब आपने सुना होगा कि बहुत से स्पीशीज होते हैं एनिमल्स के, प्लांट के, जो खत्म हो चुके हैं, पहले थे अब नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा जो एनवायरनमेंट था वो ईयर्स बाय ईयर्स चेंज होता गया, पोल्यूटेड होता गया, तो वो स्पीशीज सर्वाइव नहीं कर पाई. तो इनका एक प्रिंसिपल सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ये भी है कि ये डाइवर्सिटी को हमारे अर्थ के कंजर्व करें. सो दीज आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. देन द लास्ट टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. इसका एक बहुत इजी तरीका है, दैट इज द 3R मेजर. 3R मतलब R फॉर रैट. 3R दैट इज रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रीयूज. क्या करें? सबसे पहले आप जो चीज़ यूज करते हैं, जैसे नहाने गए, बात करने गए तो शावर चला दिया और नहाए जा रहे हैं, नहाए जा रहे हैं, नहाए जा रहे हैं. आपको पता है आपने जितना वाटर वहाँ पे वेस्ट कर दिया, दैट वाटर कुड हैव बीन यूज्ड बाय मेनी पीपल्स टू क्वेंच देयर थर्स्ट.
थर्स्ट, अपनी प्यास को बुझाने के लिए उस पानी को कितने लोग यूज़ कर सकते थे जिसको आपने अपने बाथ में सिर्फ वेस्ट कर दिया। सो फर्स्ट इज रिड्यूस करें, सेकेंड इज रिसाइकिल करें उस चीज़ को, अगर वो दोबारा बन सकती है उसको रिसाइकिल करें, फिर उसको रीयूज करें। ये है 3R टेक्निक कि हम किसी चीज़ को पहले तो रिड्यूस करें उसका यूज़ करना, फिर उसको रिसाइकिल करें, फिर उसको रीयूज करें। दैट इज़ सम एग्जांपल्स इसके हैं, बेसिकली दैट इज़ दी होम मेड पेपर बाय खादी ग्राम उद्योग। जो खादी ग्राम उद्योग है दैट इज़ मेकिंग दी होम मेड पेपर्स, ये एक इसका एग्जाम्पल है। देन द अदर इज़ रिसाइकल्ड पेपर बाई MBD ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपका वाटर, अभी आपने देखा होगा बहुत से लोग, एक हमारे यहाँ बहुत इजी चीज़ है RO, सबके घर में होता है। या जैसे कि मैं आपको बता रही थी, RO जो हम सबके घर में होता है उससे एक पाइप के थ्रू पानी परमानेंट बहता रहता है, जो कि टोटली वेस्ट हो जाता है, या तो वो ड्रेन में कहीं जा रहा होता है। उस वाटर को आप यूज़ कर सकते हैं अपने प्लांट को वाटर देने के लिए, या कहीं भी साफ सफाई के लिए। बेसिकली आप उसको जो है कम एटलीस्ट अपने प्लांट्स में तो यूज़ कर ही सकते हैं, सो दैट वाटर इज़ नॉट वेस्टेड। ठीक है, तो ये एक बहुत सिंपल एग्जांपल है जो आप अपने घर पे भी, हम अपने एटमॉस्फेयर में, सब जगह हम इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो हमें हमेशा ये 3R टेक्नोलॉजी तो हमें यूज़ करनी ही चाहिए, कि पहले रिड्यूस करें, देन रीयूज करें, फिर उसको रिसाइकिल करें। ओके, सो आई थिंक बाय दिस चैप्टर हैज़ बीन कम्प्लीटेड। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट आस्क मी, एंड सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैव आस्क मी टू एक्सप्लेन वेरियस टॉपिक्स इन इंग्लिश, सो आई विल बी एक्सप्लेनिंग देम वन बाय वन एज आई एम नॉट गेटिंग टाइम ऑल्सो। सो थैंक यू, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। गुड बाय।